एवरेज फिल्टर या इमेज स्मूथिंग फिल्टर, ये फिल्टर क्या करता था कि जो इमेज के या पिक्सल के नेबर्स हैं उनकी मदद से पिक्सल की वैल्यू को चेंज करता था, और ये नेबरहुड प्रोसेसिंग थी सारी ब्लरिंग की बेस पे थी या स्मूथिंग की या एवरेज की बेस पे थी, जिसमें हमने सिंपल ये देखा कि हमारे पास एक गिवन इमेज है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या सम ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं एक ऐसे फिल्टर से जिसके अंदर 1/9 वैल्यूज पड़ेंगे। अब इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट से मेरे पास एक ये ओरिजिनल इमेज है ये वाला, और इस इमेज के ऊपर अगर मैं एक फिल्टर अप्लाई करता हूँ जो 3/3 का है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी शेप इस तरह से तब्दील होती है। अगर ये 5/5 का है तो ये 7/7 का, ये 9/9 का, ये 15/15, ये 35/35 फिल्टर का इस तरह का। अब इसको देख के हमारे सामने में क्या चीज आ रही है, सिंपल ये आ रही है कि जैसे जैसे आप इमेज को या फिल्टर के साइज को बढ़ा रहे हैं उसमें ब्लरिंग हो रही है। ब्लरिंग से मुराद होता है धुंधला होना, कि आपको इनर डिटेल ज्यादा सही नजर नहीं आ रही होती। ग्रॉस डिटेल से मुराद क्या है कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, जैसे ए और ये जो बड़े सर्कल हैं ये या ये चीजें, ये रफली तो नजर आ रही है, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता जा रहा है। अब इसके काफी सारे सोल्यूशन है। एक पहला जो सोल्यूशन है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेटेड स्मूथिंग फिल्टर। अब मैं दोबारा आपसे रिपीट कर दूं कि लेट से मैंने एक पिक्सल वैल्यू है, मेरे पास ये इमेज है और मैंने इस वैल्यू को चेंज करना है, और इसमें ही मैं पूछता हूं कि यार ये जो सारी वैल्यूज थी साइड पे, ये 1/9 1/9 1/9 1/9 जो हमने पहली वाली स्लाइड में लिखा था कि सबकी सब वैल्यूज 1/9 है, 9 के 9 पिक्सल्स की, ये क्या इंसाफ था? इंसाफ से मुराद है क्योंकि हमने इस वैल्यू को चेंज करना है बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स, यस, और इसकी अपनी वैल्यू भी, और हम क्या करें कि वेटेज जो दे रहे हैं सबकी 1/9 का है। अब इसका आंसर है नो। होना क्या चाहिए कि इस पिक्सल की वैल्यू की वेटेज हाई होनी चाहिए, फिर बाकियों की वैल्यू होनी चाहिए। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज फिल्टर। इसकी एक टाइप जो हमने यहाँ पे लिखी, हमने क्या कहा, इसको हमने रखा 4/16। इसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ये चार इमीडिएट नेबर्स, इन चारों को हमने रखा 2/16, और फिर जो डायगोनल पड़े हैं इनको किया 1/16। अब यहाँ दो क्वेश्चन समझने वाले हैं। पहला सबसे आसान क्वेश्चन जो हम पेज पे पूछते भी हैं, वाई 16। 16 इसलिए रखा है कि हम टोटल काउंट जो है इसका सबका वो इक्वल रखना चाहते हैं डिवाइडिंग फैक्टर के, जैसे 1+2+1+2 4+2+1+2 ये जो है अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये 16 ही बनता है, तो इसलिए इसे 16 से डिवाइड किया। क्लियर, वेरी गुड। सेकंड वन, हमने इसको 4/16 क्यों किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं या हमें पता है क्योंकि हमने इस मिडल वैल्यू को आपने चेंज करना है बेस्ड ऑन दिस फिल्टर, तो मिडल फिल्टर की वेटेज मिडल वैल्यू की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बाकियों के, तो इसलिए हमने इसको 4/16 रखा है, बाकी इस तरह रखा है। इसी चीज को हमने ऐसे यहां पे कहा है कि पिक्सल्स क्लोजर टू द सेंट्रल पिक्सल आर मोर इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल पिक्सल खुद है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सबसे ज्यादा वेटेज दी 4, जो क्लोज हैं ये वाले 4 इनको कर दी 2, जो उससे दूर हैं उनको हमने कह दिया वैल्यू कम। इसे कहते हैं वेटेड स्मूथिंग फिल्टर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं स्मूथिंग की। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था और हमने जब इस पे स्मूथिंग फिल्टर लगाई तो अब क्या हुआ, जो इसकी इनर डिटेल्स थी बहुत ज्यादा फाइनल डिटेल्स वो सारी छुप गई, वो अब नजर नहीं आ रही। अब अगर हम इस पे थ्रेशोल्डिंग लगाते हैं तो जो इसके मेजर एलिमेंट्स हैं, थ्रेशोल्डिंग से मुराद था ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, तो अब क्या हुआ हमारे पास जो मेजर एलिमेंट्स इसके थे या जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमें क्लियर नजर आ रहे हैं, और जो इनर डिटेल थी ये छोटे छोटे इस तरह की चीजें ये सारी रिमूव हो गई। तो एवरेज फिल्टर को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये जो ग्रॉस डिटेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो रहेंगी। ये छोटी मोटी चीजें हैं या छोटा मोटा नॉइज है वो सारा जम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा अगर हम स्मूथिंग फिल्टर लगाते हैं। और उस स्मूथिंग फिल्टर में भी हमारे पास ऑप्शन है वेटेड स्मूथिंग फिल्टर की, जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार जो एलिमेंट है उसको हमने कितनी वेटेज देनी। जैसे हमने जो एग्जांपल देखी उसमें 4 दी, आप इससे आगे भी जा सकते हैं। लेट्स अगर हम 32 करते हैं तो फिर दरमियान वाले की कितनी होगी, साइडों वाले की कितनी होंगी, ये आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आप 64 करते हैं तब क्या होगा, तो मे भी जब हम आपसे कोई क्विज बना लेते हैं या असाइनमेंट वाला आपसे लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेटेड स्मूथिंग फिल्टर बनाएं जिसके अंदर टोटल सम जो है वो 64 है। अब आपने डिसाइड करना है कि 64 से कैसे मूव करेगा टुवर्ड्स 1 और 2, या 64 कैसे डिवाइड कीजिए, सेंट्रल की कितनी वेटेज होगी, फर्स्ट रो वालों की कितनी होगी, सेकंड की क्या होगी, कितने साइज का फिल्टर बनेगा, तो
तो इन पैरामीटर्स के साथ आपने प्लग एंड प्ले करना है।